Hello everyone, welcome to RS Agarwal Official. So today we are discussing the chapter Polynomials. हमने कल Polynomials की एक वीडियो बनाई थी, देखा था उसके अंदर क्या Polynomials के कुछ questions किए थे हमने, जो कि हमारे cubic polynomial के questions थे. उसके बाद मैंने कुछ important questions लिए थे from your exam perspective. Now we are discussing some important extensions of division algorithm questions. तो कल कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे डिवीजन एल्गोरिदम के भी, है ना. तो आज उसके जो नए टाइप्स होंगे, जो अलग अलग वेरिएशंस आ सकते हैं, आज हम वो स्टार्ट करने वाले. सो लेट्स बिगिन. फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इफ इट्स टू जीरोज आर रूट टू एंड माइनस रूट टू. सिमिलर क्वेश्चन जैसा हमने देखा था कल, इसको करते हैं. अगर दो जीरोज उसके रूट टू एंड माइनस रूट टू हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्स प्लस रूट टू एंड एक्स माइनस रूट टू विल बी फैक्टर्स, है ना. ये हमने देखा था कल भी. अगर एक्स प्लस रूट टू और एक्स माइनस रूट टू इसके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इनको इक्वेट करने पे जीरो से हमें मिल जाएगा माइनस रूट टू और रूट टू, ठीक है. तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, एक्स प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी. सो दिस विल ऑल्सो बी अ फैक्टर, विल बी अ फैक्टर. किसका होगा ये फैक्टर, इसका फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, है ना. इसका नाम हम दे देते हैं पी एक्स, ठीक है, सिंपल. अब हम क्या करते हैं, बाकी के जो हमारे फैक्टर्स हैं या जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को इस एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करते हैं, है ना. तो देखो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स. इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब और माइनस टू इंटू एक्स करेंगे तो ये माइनस टू एक्स यहां पे आएगा. ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स. तो अब क्या करते हैं, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू थ्री आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस टू इंटू थ्री आएगा माइनस सिक्स. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है. रिमाइंडर अगर जीरो आया तो यानी कि ये जो है हमारा, ये तीसरा फैक्टर हो गया, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस थ्री क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स, ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स. सो हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेट करें अगर हम जीरो से, तो एक्स प्लस थ्री को अगर जीरो से इक्वेट करेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, है ना. माइनस थ्री इज अ जीरो ऑफ पी एक्स. तो हमें निकालने थे कि ऑल जीरोज निकालने, तो क्या क्या आए जीरोस, दो जीरोस तो हमारे यहां से मिल रहे थे, क्या थे वो, रूट टू एंड माइनस रूट टू, और थर्ड जीरो जो आया वो कितना आया, माइनस थ्री, है ना. एक क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है. अब देखते हैं नया क्वेश्चन किस टाइप का होगा, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आज का. ओके लेट्स प्रोसीड. देखिए ये कुछ अलग क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी हमारी, है ना. देखते हैं, फाइंड k सो दैट दिस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है. सो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. देखिए अब कैसे करेंगे हम, हमको k की वैल्यू निकालनी है अगर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना. देखिए कोई पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर कब होगा, जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, जीरो. जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, जीरो. तो देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना, टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के से, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के से, है ना. देखिए अब ये इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे हम पहले टू एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स स्क्वायर टू एक्स पावर फोर आएगा. नेक्स्ट
2x इंटू 2x स्क्वायर, 4x क्यूब आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा, k इंटू 2x स्क्वायर, 2kx स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 2kx स्क्वायर, है ना, ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपस में कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, x क्यूब माइनस 4x क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3x क्यूब आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पे कई लोग गलती कर देते हैं, क्या होता है, लोग कई बार माइनस प्लस की गलती कर देते हैं यहां पे, ये देखिए, अब इसका सिंपल सा एक तरीका है ध्यान रखने का, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट देखते हैं, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हम लिख लेते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने, है ना, इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहां माइनस 14 है, यहां 2k है, तो इनको आपस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 14 माइनस 2k, है ना, ये आ जाएगा हमारा। तो गलती कई बार क्या करते हैं हम लोग, कि ये जो टर्म्स है, ये एक्स स्क्वायर के जो कोफिशियंट है, ये k के टर्म्स वाले, इसको हम सही से नहीं लिख पाते, है ना। अब देखो, अब प्लस 5x प्लस 6, ये तो ऐसे ही रहेगा, ओके। अब माइनस 3x क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3x क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट, 2x को माइनस 3x से करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर, तो हम देखें ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस 6x स्क्वायर ना लिखे, हम पहले लिखते हैं यहां पे x स्क्वायर, उसका कोफिशियंट क्या है, माइनस 6। लिखने का एक तरीका है, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे तो गलती नहीं करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट करने में, बहुत बार गलती होती है यहां पे। और k इंटू माइनस 3x करेंगे तो माइनस 3kx आएगा, तो फिर से हम वैसे लिखते हैं x का कोफिशियंट इंटू माइनस 3k, ओके, यहां तक हो गया हमारा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, x स्क्वायर का कोफिशियंट देखिए, अब x स्क्वायर का कोफिशियंट अगर ये माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 14 माइनस 2k माइनस ऑफ माइनस 6, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 14 माइनस 2k प्लस 6 हो जाएगा, ओके। तो माइनस 14 प्लस 6 कितना होगा, माइनस 8, और ये माइनस 2k आ जाएगा, है ना, माइनस 2k प्लस x का कोफिशियंट, यहां देखें अगर हम, यहां पे 5 है और यहां पे माइनस 3k है, तो 5 माइनस माइनस 3k करेंगे तो 5 प्लस 3k हो जाएगा, और यहां पे प्लस 6 भी आएगा, यहां तक आ गया। अब लास्ट, अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें मिल पाए, तो सिंपल है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 8 माइनस 2k से, माइनस 8 माइनस 2k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू माइनस 8 माइनस 2k। नेक्स्ट, यहां x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस करेंगे तो माइनस 16 माइनस 4k, है ना, k इंटू दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस k इंटू दिस नंबर करेंगे तो माइनस 8k माइनस 2k स्क्वायर, माइनस 8k माइनस 2k स्क्वायर, ओके। कंसेप्चुअली तो ये क्वेश्चन देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है कि इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, तभी हम क्या बोल पाएंगे कि दिस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज अ फैक्टर ऑफ दिस। लेकिन जो इसको मुश्किल बनाता है वो इसकी कैलकुलेशंस है ना, तो एक बार मैंने इसको करके दिखाया आपको और तरीका भी बताया कि कोफिशियंट x स्क्वायर के पहले लिख लेते हैं हम, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं तो गलती कर देते हैं कई बार प्लस माइनस में हम लोग, ओके। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहां x का कोफिशियंट देखिए, अब x का कोफिशियंट क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3k माइनस, अब देखिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k माइनस माइनस 4k करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7k, और 5 माइनस माइनस 16 करेंगे तो 5 प्लस 16 यानी कि 21 आ जाएगा। और यहां पे हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कितना आएगा, ये माइनस करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 8k प्लस 2k स्क्वायर, 6 प्लस 8k प्लस 2k स्क्वायर, ओके, ये आया हमारा रिमाइंडर। अब मैंने पहले ही बोला था इसको इसका फैक्टर होने के लिए हमारे पास रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी जीरो फॉर दिस टू बी अ फैक्टर। इसका रिमाइंडर को जीरो करें तो देखिए रिमाइंडर जीरो होने के लिए ये एक्स का कोफिशियंट भी जीरो होना चाहिए और ये कॉन्स्टेंट टर्म भी हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास देखिए दो इक्वेशन आ गई, अब हम इसको यहां लिख लेते हैं। एक इक्वेशन आएगी 7k प्लस 21 इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3, ओके।
और यहां पे भी चेक कर लेते हैं क्या माइनस थ्री सेटिस्फाई कर रहा है, 6 प्लस 8 के प्लस 2 के स्क्वायर, ये भी कितना होना चाहिए हमारा, ये भी जीरो होना चाहिए। इसको 2 से डिवाइड करें तो के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 3 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यानी कि इसको फैक्टर करें तो के प्लस 1 इंटू के प्लस 3 इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हमने, तो यहां से k की वैल्यू या तो फिर माइनस 1 हो सकती है और k इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, ये दो चीजें हो सकती हैं। तो देखिए पहले यहां से हमारे पास क्या मिला, इसको जीरो करने से k की वैल्यू माइनस 3, और इसको जीरो करने से हमें मिला कि k की वैल्यू माइनस 1 या फिर माइनस 3। तो दोनों बातें हमारी साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, है ना, दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। तो हमारे पास k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3 आ जाएगी। ओके, तो यहां हमारे पास k की वैल्यू माइनस 3 आ गई। तो एक तो चीज हमसे पूछ रहा था कि फाइंड k, तो k तो हमने निकाल लिया, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस 3। ओके, अब फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सारे जीरोज निकालने। अगर हमें k की वैल्यू पता चल चुकी है तो देखिए हम जीरोज कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं इसको, ठीक है, k की वैल्यू, हाँ हम देखिए क्या करते हैं, चलिए यहां पर लिखते हैं इसको, इरेज करके लिखते हैं। ओके, देखिए अब k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, माइनस 3 आ चुकी है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जो डिवाइजर आ गया, डिवाइजर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आया, और जो क्वेश्चन आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 2x square minus 3x plus ये जो टर्म है, तो क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आया हमारे पास 2x square minus 3x और फिर प्लस यहां पे k की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, k की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा माइनस 8 माइनस k की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 6, है ना, k की वैल्यू माइनस 3 पुट करी तो माइनस 6 आ गया। तो ये माइनस 8 माइनस दिस टर्म, तो कितना आ गया ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 6 यानी कि माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2, तो ये टर्म आ गया हमारे पास क्वेश्चन, है ना, ये टर्म आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ये हमारे पास डिवाइजर था। तो अब हमारे पास जीरोज अगर निकालने हैं तो सिंपल सी चीज है, इसको भी जीरो से इक्वेट कर देते हैं और इसको भी जीरो से इक्वेट कर देते हैं, है ना, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास दो जीरो यहां से मिलेंगे और इसको इक्वेट करेंगे जीरो से तो दो जीरो फिर से मिल जाएंगे, टोटल चार जीरो मिल जाएंगे हमें। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें इसे इरेज कर देते हैं। ओके, तो अब अगर हम डिवाइजर को इक्वेट करते हैं जीरो से तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, डिवाइजर को इक्वेट करेंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू जीरो से हमें अगर फैक्टराइज करें इसे तो ये मिलेगा हमें एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये मिल जाएगा हमें, एक्स की वैल्यू यहां से आ रही है 1 एंड माइनस 3, तो दो जीरो तो हमें यही मिल जाएंगे 1 एंड माइनस 3। दूसरा इसको इक्वेट करते हैं अगर जीरो से तो देखिए क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। देखिए इनको इक्वेट क्यों कर रहे हैं हम जीरो से, है ना, इनको इक्वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अगर हम बोले इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर रहा है तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए हमने जीरो से इक्वेट किया और इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए हमने इस तरह से। सिमिलरली हमने क्वेश्चन के लिए भी किया, यहां पे भी इक्वेट किया जीरो से। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, यहां पे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2, इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे तो ये 2x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो यहां से 2x माइनस 1 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से माइनस हाफ और 2, माइनस हाफ और 2, तो ये दो जीरो हमें यहां से मिले और पीछे से हमें ये वाले दो जीरो भी मिले थे 1 एंड माइनस 3, तो इन ऑल
टोटल चार जीरोस हो गए, 1 माइनस 3 माइनस हाफ और 2, 1 माइनस 3 माइनस हाफ और 2, और k की वैल्यू जो आई थी हमारी कितनी आई थी, k की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, माइनस 3 आई थी, है ना। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा भी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जा सकता है। जो दिक्कत आ सकती है वो ये कैलकुलेशन पार्ट में आ सकती है। ओके ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या करें, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है बट करेंगे हम। इफ द रिमाइंडर ऑन डिविजन ऑफ दिस बाय एक्स माइनस 3 इज 21, फाइंड द क्वोशेंट एंड द वैल्यू ऑफ के, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहले तो इफ द रिमाइंडर ऑन डिविजन ऑफ दिस बाय एक्स माइनस 3 इज 21, तो सिंपल सिंपल एक चीज करनी है कि इस पॉलिनोमियल को एक्स माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, 21 रिमाइंडर आना चाहिए। डिवाइड करते हैं सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, इसको डिवाइड करते हैं हम एक्स माइनस 3 से, कितना आएगा यहां पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 माइनस माइनस 3 करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा प्लस kx प्लस 3। अब x इंटू क्या करेंगे कि ये आए हमारे पास, तो पहले x को प्लस 5x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5x माइनस 15x। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ये आपस में कैंसिल। अब x का जो कोफिशियंट है, देखिए x का कोफिशियंट क्या है, यहां पे ऊपर है k, नीचे है माइनस 15, k माइनस माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा k प्लस 15, k प्लस 15, और यहां पे प्लस 3 आ जाएगा, यहां पे प्लस 3 आ जाएगा। अब x माइनस 3 इसको देखिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे x का कोफिशियंट k प्लस 15 है, इसीलिए यहां पे हम k प्लस 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x इंटू के प्लस 15, और कॉन्स्टेंट टर्म से मिलेगा माइनस 3 इंटू दिस, यानी कि माइनस 3 के माइनस 45, माइनस 3 के माइनस 45, माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया कॉन्स्टेंट टर्म से, अब ये आपस में कैंसिल, x के कोफिशियंट सेम आ गए, इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इनको माइनस करेंगे तो आएगा 3, ये माइनस का जो साइन है उल्टे होके प्लस 3 के प्लस 45 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 3 के प्लस 48, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आया हमारा 3 के प्लस 48, बट हमें रिमाइंडर इक्वल किसके दे रखा है, रिमाइंडर बोला है कि 21 के इक्वल है, तो इसको हम इक्वेट करते हैं 21 से, तो यहां से 3k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 27, और k की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस 9, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9, तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी, एक तो निकालनी थी यहां पे k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू आई हमारी माइनस 9। नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अब देखिए ये कोई नया पॉलिनोमियल बोल रहा है, नहीं देखिए इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन था इसमें जो पॉलिनोमियल है और इसमें जो पॉलिनोमियल है, बस उसके अंदर कांस्टेंट का फर्क है, कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो देखिए के की वैल्यू सबसे पहले हम यहां पे पुट करते हैं तो क्या मिलने वाला है, के की वैल्यू ये तो हमारे पास मिल गया, इसे रेस करते हैं, अब के की वैल्यू हमें मिली कितनी, माइनस 9, तो अब जैसी के की वैल्यू हमें माइनस 9 मिली, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, दिस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 18, जीरोस किसके निकालने हैं हमें, इस पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं निकालने हैं, हमें निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, k की वैल्यू माइनस 9 पुट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9 हम यहां पे पुट कर रहे हैं k की वैल्यू, तो माइनस 9x माइनस 18 ये आया हमारे पास। ओके ये आ गया हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, तो कैसे करेंगे हम, या तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी के अंदर k की वैल्यू माइनस 9 डाल के हम 21 रिमाइंडर लेके आते हैं, उससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार हम इसमें ना डाल के वैल्यू k की, इसी में डाल लेते हैं ना, फिर से ये प्रोसीजर को एक बार रिपीट करते हैं, और देखिए हमारे पास ये फाइनली हमें चाहिए वो मिलेगा हमें, पहले हम देखिए क्या करते हैं, k की वैल्यू ही डालते हैं हम माइनस 9, तो देखिए आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, इसको हमें किससे डिवाइड करना है,
इसको हमें किससे डिवाइड करना है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में x माइनस थ्री से, तो रिमाइंडर 21 आ रहा है। x माइनस थ्री से इसको पहले डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या आने वाला है। x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां एक्स क्यूब, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पिछले वाली चीज ही है, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री। बस इस बार क्या हुआ कि हमने वैल्यू पुट कर दी, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा प्लस फाइव एक्स, ये आ जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री इंटू फाइव एक्स इज माइनस फिफ्टीन एक्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल, माइनस नाइन प्लस फिफ्टीन हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस थ्री। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, x को मल्टीप्लाई करते हैं हम सिक्स से, तो आएगा यहां पे सिक्स एक्स, और माइनस थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एटीन। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है, तो थ्री माइनस माइनस एटीन यानी थ्री प्लस एटीन होके 21 हो जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था कि रिमाइंडर 21 आना चाहिए, वैसे ही हमारा आ भी रहा है वैल्यू पुट करने पे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब डिविजन एल्गोरिदम को हम डिविजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और लिखते हैं किस तरह से। ये जो डिविडेंड है ये है हमारा डिविडेंड, तो डिविडेंड होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, इसका नाम थोड़ी देर के लिए जो ये पॉलिनोमियल है इसका पी एक्स नाम दे दिया हमने, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री को। तो पी एक्स जो होगा यानी कि डिविडेंड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस 21। ओके ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन जो है इतनी इंटेलिजेंटली सेट किया हुआ है पहले से ही कि ये जो px है, ये जो px है इसमें से अगर मैं 21 को माइनस करूं, ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये px में से अगर मैं 21 को माइनस करूं इधर ले जाके, तो हमें ये वाला पॉलिनोमियल मिलेगा। मैंने क्या बोला, देखिए मैं वैल्यूज रख के दिखाता हूं, px की वैल्यू क्या है, px है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री। इसमें से मैं क्या करता हूं, ये 21 जो है मैं इसको LHS में ले आता हूं, तो ये माइनस 21 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स के, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स के। अब देखिए ध्यान से देखिए इस टर्म को, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस दिस, ये थ्री माइनस 21 मिलकर हमें ये माइनस 18 दे देगा। ओके क्लियर, जैसे ही हमारे पास ये मिल गया तो हमारे पास देखिए इसके फैक्टर्स अपने आप ही दिखने लगे हैं, बहुत इंटेलिजेंटली क्वेश्चन सेट किया हुआ था पहले से ही। बस हमारा आंसर आ जाएगा, अब इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं और यहां पे हम अपना आंसर लिखते हैं। अब फाइनल आंसर इस तरह से आएगा कि लेट अस से अब इसका नाम हमने पी एक्स दिया था, इसका नाम हम क्यू एक्स दे देते हैं इस वाले पॉलिनोमियल का, जिसके जीरोस हमें निकालने हैं, इसी के जीरोस, क्यू एक्स के जीरोस हमें निकालने हैं। तो ये जो है हमारा ये क्यू एक्स आ गया, देखिए ये आ गया क्यू एक्स, क्यू एक्स इज इक्वल टू ये एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस 18 है, ये क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। बस अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्यू एक्स के जीरोस दिखेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू इसका फैक्टराइजेशन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, मिडल टर्म स्प्लिट करके हम लोग पता कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया आंसर। तो जैसे ही हमारे पास ये तीन फैक्टर्स आए तो हमारे पास जीरोस क्या आएंगे, यहां से जीरोस मिले, क्या जीरो मिलेगा थ्री, इधर से मिलेगा हमारे पास माइनस टू और इधर से माइनस थ्री। कुछ नहीं करना है, इनको सबको जीरो से इक्वेट कर दिया, तो थ्री माइनस टू और माइनस थ्री आर जीरोज ऑफ, जीरोज ऑफ क्यू एक्स, आर द जीरोज ऑफ क्यू एक्स। ओके यही हमें निकालना था कि जीरोज ऑफ क्यू एक्स कितने होंगे, ये तीन होंगे और के की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास माइनस नाइन आई है। क्लियर हुआ, लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल भी था और अच्छी तरीके से सेट भी किया हुआ था कि ये 21 का फैक्टर कैसे हमने इधर लाके ट्रांसपोज किया, उसी तरह से क्वेश्चन सेट था, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स प्रोसीड, देखते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ए और बी की वैल्यू बतानी है हमें इफ दिस इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, इजी क्वेश्चन, सिंपल।
आज हमने डिविजन एल्गोरिदम पे क्वेश्चन देखे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसको इस एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, रिमाइंडर मिलना चाहिए जीरो। तो बस डिवाइड करते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास ए और बी की वैल्यूज, प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वन से, एक्स स्क्वायर प्लस वन से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां आएगा एक्स पावर फोर, एक्स स्क्वायर इंटू वन इज एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल, सेम कोफिशियंट वन वन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहां एट है यहां वन है, तो ये सेवन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये थोड़ा सही से मैंने लिखा ए एक्स है, नाइन नहीं है वो ए है। अब यहां एक्स क्यूब है तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये एक्स क्यूब, वन इंटू एक्स इज एक्स, यहां पे एक्स आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, यहां आएगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशियंट, देखिए यहां पे क्या है, यहां एक्स का कोफिशियंट ए है, यहां पे एक्स का कोफिशियंट वन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ए माइनस वन प्लस बी। ओके लास्ट एक्स स्क्वायर को अब सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेवन एक्स स्क्वायर लाने के लिए, तो ये आ जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सेवन इज सेवन, ठीक है, यहां पे तो कुछ नहीं आया, तो अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेवन एक्स स्क्वायर से सेवन एक्स स्क्वायर, यहां आएगा क्या एक्स इंटू ए माइनस वन प्लस बी माइनस सेवन, ये हमारा क्या आ गया, दिस इज आवर रिमाइंडर। बट रिमाइंडर होना कितना चाहिए, कितना होना चाहिए रिमाइंडर, क्योंकि हमें बोला है कि दिस, ये जो पॉलिनोमियल है px बोल देते हैं इसको, लेट अस से दिस इज px, तो दिस px इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस वन, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए जीरो, यानी कि ये जो है इसका px का एक फैक्टर हो गया, तो अगर ये फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। इसको जीरो से इक्वेट करते हैं हम लोग, तो देखिए क्या मिलने वाला है, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो यहां से a माइनस वन विल बी जीरो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई वन, साथ ही साथ b माइनस सेवन इज जीरो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई सेवन, मैंने ये हमारा आंसर आ गया वन एंड सेवन, a की वैल्यू वन b की वैल्यू सेवन। मैंने क्या ट्राई किया आज, मैंने ट्राई किया कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैलकुलेटिव या कंसेप्चुअल, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं डिविजन एल्गोरिदम के अंदर, हमने सारे देख लिए, थोड़े से क्वेश्चन पिछली बार देखे थे पिछले वीडियो में, इस बार हमने कुछ और क्वेश्चंस देख लिए। ओके सो दिस वाज आवर सेशन आज का, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ये। सो अगले सेशन में क्या होने वाला है, अगले सेशन में वी विल बिगिन डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो ये तो आपके क्वेश्चंस है जो मैंने आपको कराए, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज आवर सेशन, एंड इफ यू लाइक्ड इट प्लीज सब्सक्राइब टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।